क्रिएट इंडियन खजाना। दोस्तों अगर आप लोग अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित हो और आपको उसमें गारंटेड रिटर्न भी मिले, तो बैंक FD आज भी लोगों की पहली पसंद है। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो बैंक FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो चुके हैं। तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर वो बैंक FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आखिर उनको कितना ब्याज मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक FD के क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और उसमें आप अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, ये सब पूरी डिटेल में बताने जा रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को जनरल पब्लिक यानी जो 60 साल से कम है और जो सीनियर सिटीजन जिनके 60 ईयर से ज्यादा है, दोनों की बैंक FD, उनके इंटरेस्ट रेट और कितना आपको ब्याज मिलेगा, ये सब मैं पूरी डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आज की डेट की बात की जाए तो SBI में एक साल या उससे ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम की फिक्स डिपॉजिट पर जो जनरल पब्लिक है उनको 5.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो सीनियर सिटीजन को 0.5% ज़्यादा ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक से। तो एक साल उससे ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम की FD पर सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 5.60% ब्याज। वहीं अगर हम बात करें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम की FD पर तो जो जनरल पब्लिक है उनको मिल रहा है 5.30% और सीनियर सिटीजन को 5.80%। वहीं अगर बात करें 5 ईयर या फिर 5 साल से ज़्यादा और 10 ईयर तक की FD पर, क्योंकि FD जो होती है वो मैक्सिमम 10 ईयर की ही बनती है, तो 5 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक की FD पर जनरल पब्लिक को मिल रहा है 5.40% और सीनियर सिटीजन को यहाँ पर मिल रहा है 6.20%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.50 से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि SBI में अभी एक स्कीम चल रही है, जो भी सीनियर सिटीजन SBI में फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं और उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल या उससे ज़्यादा है, 5 साल या उससे ज़्यादा की FD बनवाते हैं तो उनको 0.30% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 0.30% प्लस जो 0.50% मिलता है वो टोटल 0.80%। तो ये स्कीम है, ये है SBI वी केयर डिपॉजिट स्कीम, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का। तो टोटल यहाँ पर SBI वी केयर डिपॉजिट के अंतर्गत यहाँ पर 0.80% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो फिर अगर जनरल पब्लिक का है 5.40% तो सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6.20%। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो अभी मैं आपको जनरल पब्लिक का बता रही हूँ, वीडियो में आगे मैं आपको सीनियर सिटीजन का बताऊंगी और उसके आगे मैं आपको जनरल पब्लिक और जो सीनियर सिटीजन है दोनों में कंपेयर करके भी दिखाऊंगी, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन है वो क्वार्टरली कंपाउंड कैलकुलेशन है, क्योंकि जो आपको FD में ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली कंपाउंड कैलकुलेट होता है। तो चलिए देख लेते हैं अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 ईयर पर जो इंटरेस्ट है 5.10 उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे 5,198 रुपीज़। वहीं 2 साल पर आपको मिलेंगे 10,666 रुपीज़। और अगर आप 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 5.30% ब्याज है और ऐसे ही 4 ईयर के लिए भी 5.30% ब्याज है, तो 3 ईयर पर आपको मिलेंगे 17,111 और 4 ईयर पर आपको मिलेंगे 23,442। 5 ईयर से 10 ईयर की अगर आप FD बनवाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 5.40 है, तो 5.40 के हिसाब से 5 ईयर पर आपको मिलेगा 30,760, 6 ईयर पर आपको मिलेगा 37,965, 7 ईयर पर आपको मिलेगा 45,567, 8 ईयर पर 53,588, 9 ईयर पर 62,052 एंड 10 ईयर पर 70,981। तो ये कैलकुलेशन है जनरल पब्लिक का। और अगर बात करें सीनियर सिटीजन की तो सीनियर सिटीजन को 1 साल और 2 साल पर ब्याज मिल रहा है 5.60%। तो उसके हिसाब से अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएं तो 1 ईयर पर मिलेगा 5,718, 2 ईयर पर मिलेगा 11,764,
वहीं अगर बात करें 3 ईयर और 4 ईयर की तो ब्याज है 5.80%। तो 3 ईयर पर मिलेगा 18,856, 4 ईयर पर मिलेगा 25,902, और अगर बात करें 5 साल से 10 साल तक की तो यहाँ पर है 6.20%, जिसमें SBI वी केयर डिपॉजिट स्कीम का भी इसमें फ़ायदा दिया हुआ है। तो 0.80% ज़्यादा है ये जनरल पब्लिक से। तो उस हिसाब से 5 ईयर पर मिलेगा 36,018, 6 ईयर पर मिलेगा 44,649, 7 ईयर पर मिलेगा 53,828, 8 ईयर पर मिलेगा 63,590, 9 ईयर पर मिलेगा 73,971 और 10 ईयर पर मिलेगा 85,010। मतलब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कोई सीनियर सिटीजन SBI की FD में 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो 1 लाख रुपए पर उसको 6.20%, जो कि करंट टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसको लगभग 85,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर करके मैंने आपको दिखाया है, अगर जनरल पब्लिक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखें और सीनियर सिटीजन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखें तो कितना डिफरेंस आता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 साल की तो आप देखिए, यहाँ पर आपको जो जनरल पब्लिक है उनको 5,198 और सीनियर सिटीजन को 5,718। तो लगभग देखा जाए तो 500 रुपये का अंतर आएगा 1 साल की बात करें। बाकी जो डिफरेंस है आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल पब्लिक का रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है, उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर आप देखिए सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट दिया हुआ है कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम मैक्सिमम बात करें, जो मैक्सिमम है 10 ईयर, मैक्सिमम FD में आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल जनरल पब्लिक के लिए 5.40% है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.20% है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 70,981 रुपये मिल रहे हैं जनरल पब्लिक को, जो 60 ईयर से कम है, और सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 85,010। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 14,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, सीनियर सिटीजन को लगभग 14,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल है तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमेशा की तरह अपने लाइक और कमेंट करते रहिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।